तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल थेटेक्टीवी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे गेमिंग टेस्ट, फुल गेमिंग टेस्ट है ये। और इस वीडियो में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ रियलमी का C1, और ये C1 का ही पूरा गेमिंग टेस्ट है। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फ़ोन पर मिल जाए। तो आज हम 3 गेम्स पे इसका रिव्यू करेंगे। जो पहला गेम है वो है PUBG और टेम्पल रन और सबवे सर्फर। तो तीनों गेम्स को हम खेलेंगे और देखेंगे क्या इसमें लैग्स आते हैं, या स्क्रीन में डिस्ट्रैक्शन, या हल्का सा कुछ भी हैंग टाइप का कुछ करता है या नहीं करता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रिसेंट ऐप्स जितनी भी हैं उनको क्लोज़ कर दूँगा। देखिए, मैंने रिसेंट ऐप्स क्लोज़ कर दिए, और सबसे पहले हम खेलेंगे सबवे सर्फर। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है ये मैंने एक स्टॉप वॉच भी रखी है बगल में। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, 5-5 मिनट के लिए हम ये गेम्स खेलेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। और स्टार्ट तो ये बहुत स्पीड, हाँ ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छी भी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है। कभी कभी बहुत जल्दी ये खुल जाता है और कभी कभी टाइम ले लेता है। तो 1 मिनट, तो ऑन ए सेट ऑफ 3 मैं इसको स्टार्ट करूंगा। तो देखते हैं 5 मिनट खेल के इसमें क्या लैग्स आते हैं या नहीं आते हैं। अभी तक तो मुझे इसमें कोई भी लैग या स्क्रीन का डिस्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी तो स्मूथली चल रहा है गेम। और देखते हैं, 24 से 25 सेकंड हो चुका है। देखते हैं 1 से 2 मिनट के अंदर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आता है या नहीं आता है। ऑलमोस्ट 45 सेकंड हो चुका है और अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आया है। और देखिए, मैं मर भी चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसको फिर से। एक मिनट हो चुका है और मैं एक बार मर भी चुका हूँ। तो लेट्स होप कि अभी हल्का सा आया लैग इसमें, अभी हल्का सा इसमें आपने देखा भी होगा लैग आया। फिर से देखते हैं, मैं इतना अच्छा गेमर नहीं हूँ, तो आप लोग देख रहे होंगे मैं बार बार मर जा रहा हूँ। सो देखते हैं, अभी तक एक ही डिस्ट्रैक्शन मुझे दिखा है इसमें और बाकी सब सही चल रहा है। एक्चुअली 2 GB रैम है तो थोड़ा बहुत तो आएगा ही, बट स्नैपड्रैगन का 450 है तो बहुत ही जाना माना प्रोसेसर है, तो उसकी वजह से शायद इसमें बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा है। अब तक 2 GB और किसी में होता फ़ोन में तो आई थिंक कि ज़्यादा लैग आने लगता। और एक ही जगह मुझे अभी तक दिखा है, ऑलमोस्ट 2 मिनट होने वाले हैं इस गेम को खेलते हुए। तो मैं 5-5 मिनट लेके चल रहा हूँ, हर एक गेम को खेलूँगा मैं और आपको बताऊँगा क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। अब आया एक बार फिर, आपने देखा होगा हल्का सा गेम रुका था या हैंग करा था, आप जैसे उसको आप जो भी बोल सकते हो, स्क्रीन हल्का सा डिस्ट्रैक्ट हुई थी। और देखते हैं आगे क्या होता है। हल्का सा होना चाहिए भी, क्योंकि इसमें PUBG भी पड़ा हुआ है, मैंने इंस्टॉल कर रखा है PUBG भी, 1.5 GB का गेम है तो स्वाभाविक सी बात है, हाँ हल्का सा तो हैंग करेगा ही करेगा। बट अकॉर्डिंग टू मी 7000 की रेट में बहुत ही अच्छा फ़ोन चल रहा है ये अभी तक। और ऑलमोस्ट
3 मिनट हो चुके हैं, एक डेढ़ मिनट और खेलते हैं इसको, फिर दूसरे गेम पे स्विच करते हैं। सो ये फिर से मैं मर चुका हूँ और अब इस गेम को हटाते हैं हम लोग, बंद करते हैं और रिसेंट से भी हटा देते हैं। अब चलते हैं टेंपल रन की तरफ और इसको भी मैं स्टॉप कर देता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं प्ले पे और इसको भी स्टार्ट कर देते हैं, इसको भी 2 से 3 मिनट खेलेंगे हम लोग। सबवे में तो ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखा है, 2 से 3 बार ही लैग हुआ है, जबकि मैं मरा भी हूँ उसमें 2-3 बार। सो देखते हैं इसमें क्या होता है, अभी तक तो सब सही चल रहा है इसमें। एक्चुअली इसका बैटरी भी आज कम है, इस वजह से ये ऑटो स्विच लॉक हो जा रहा है। सो एक्चुअली में ये लॉक भी हो रहा है बार बार, और मैं बार बार इसको खोल रहा हूँ और मर भी रहा हूँ मैं बार बार, तब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ नहीं रहा है इसमें, लैग वाला जैसे कुछ भी नहीं आ रहा है। सो फिर से देखते हैं। आप जैसे कि देख सकते हो 1 मिनट 24 सेकंड हो चुका है और ये एक ऐड चलने लगा। ऑलमोस्ट 1.5 मिनट हो चुका है और इसको भी मैं अब ज़्यादा नहीं खेलूँगा, 1 से 1.5 मिनट और खेलूँगा, फिर आई स्विच टू पबजी और देखते हैं कि उसमें इसका क्या करना है, क्या ये फ़ोन परफॉर्म कर पाता है पबजी में या फिर ये नहीं कर पाता है। सो देखते हैं। 2 मिनट हो चुका है इस गेम को खेलते हुए मुझे, और अभी तक इस गेम में मुझे कहीं पे भी लैग नहीं दिखा है, और हल्का बहुत अगर मुझसे दिखा होगा और मैं नहीं देख पाया होगा तो आप लोग उसको समझ सकते हो। तो ये मैं मर चुका हूँ और अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और फाइनली अब हम लोग स्विच करते हैं पबजी के ऊपर। तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और पबजी को मैं खोलते ही एक टाइमर लगाऊंगा कि कितने टाइम में पबजी खुलता है इस फ़ोन में। तो ये टाइमर चल रहा है, 4 सेकंड हो चुका है, देखते हैं कितना टाइम लेता है पबजी को ये खोलने में। ऑलमोस्ट 15 सेकंड होने वाला है और अभी तक नहीं खुला है। और ये एक अनबायस्ड रिव्यू है, ऐसा नहीं है कि मैं इसकी तारीफ़ पे तारीफ़ करता रहूँगा, और पबजी खोलने में इसको देख रहे हैं आप लोग कितना टाइम लग रहा है। सो देखते हैं और कितना टाइम लगता है। ऑलमोस्ट 1 मिनट हो गया है मुझे इस गेम को खोले हुए। और अभी तक ये नहीं खुला है, अब शायद खुलने वाला है। जी हाँ, अब लोड हो रहा है और ऑलमोस्ट इसने 1.5 मिनट ले लिया आई थिंक। जी हाँ, 1 मिनट 21 सेकंड हो गया है, 1.5 मिनट होने ही वाला है।
और 1 मिनट 50 सेकंड में ये गेम ओपन हुआ है, आप लोग जैसे कि देख सकते हो। ऑलमोस्ट 2 मिनट भी होने वाला है, तो चलिए अभी इसको स्टॉप कर देते हैं और एंटर कर लेता हूँ मैं गेम में। और एक्चुअली मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, सो चलिए प्ले करते हैं, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या लैग्स आते हैं या कुछ होता है इस फ़ोन में। सो, अब मैं इसको भी 2 से 3 मिनट या 4 मिनट खेलूँगा, जैसा भी मुझे सही लगेगा। स्टार्ट होने देते हैं इस गेम को। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा ये कितना टाइम लेता है। अब मैं टाइमर भी ऑन कर देता हूँ, टाइमर भी चल रहा है। चलिए जंप करते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये मैं पबजी खेल रहा हूँ, ऑलमोस्ट ये मेरा हुआ होगा, एटलीस्ट मैंने 2 से 3 बार ही पबजी खेला है, ये मेरा 4th या 5th बार है, तो मुझे कुछ भी नहीं पता है कैसे क्या खेलते हैं, और रिव्यू के लिए मैं ये खेल रहा हूँ। देखते हैं, 1 मिनट 17 सेकंड हो चुका है पबजी को खुले, और देखते हैं इसको उतर जाने देते हैं फिर आगे चलते हैं थोड़ा। डेढ़ मिनट से ज़्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 मिनट होने वाला है। Let's see. मैं तो झाड़ियों के बीच आ चुका हूँ, आ चुका है ये। मैं इसको लगा देता हूँ ऑटो मोड पे और देखते हैं कुछ लैग या उस तरीके का कुछ दिखता भी है इसमें या नहीं। और 2 मिनट 10 सेकंड हो चुका है। हल्का सा लैग आप देख सकते हो इसमें हुआ। और मैंने आपको दिखाने के लिए इसको ऑटो मोड पे लगा दिया है ताकि गेम चलता रहे, एक जगह खड़ा ना रहे। और देखते हैं क्या सिचुएशंस आती हैं और क्या हैंग करता है, या स्क्रीन में हल्का सा डिस्ट्रैक्शन या कुछ भी ऐसा ब्लर टाइप का कुछ भी दिखता है या नहीं दिखता है। तो अभी तक तो सब ओके ओके चल रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। और हल्का सा 2 बार दिखा मुझे, और 3 मिनट 23 सेकंड हो चुके हैं।
4 मिनट 8 सेकंड हो चुका है और अभी तक 2 लैग्स आए हैं। कोई ऐसा कोई बड़ा लैग नहीं आया या कोई भी ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से गेम चल रहा है। तो बस करते हैं और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको एक आइडिया लग गया होगा इसका गेमिंग एक्सपीरियंस देख के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे हिसाब से ये गेमिंग फ़ोन, जबकि आप लोग देख सकते हो मैंने तीनों ही बड़े गेम्स डाले हुए हैं और भी कई सारी एप्लीकेशंस पड़ा हुआ है, तो कोई भी ऐसा लैग का मेरे पास इशू नहीं आया अभी तक। और अकॉर्डिंग टू मी 7000 के प्राइस पॉइंट पे बहुत ही अच्छा इसमें प्रोसेसर 4 स्नैपड्रैगन का पड़ा हुआ है, वैसे भी आप लोग जानते ही होंगे 450, और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। और रियलमी का जो गेम स्पेस इन्होंने डाल के दिया है उसकी वजह से सारा केज भी डिलीट हो जाता है अपने आप, जैसे ही आप दूसरी एप्लीकेशन पे जाते हो बड़ी एप्लीकेशन पे, तो उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इसका प्रोसेसर फ्री करने में। और मुझे बहुत अच्छा लगा गेमिंग एक्सपीरियंस। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।